सामने ये कॉलेज का फील्ड में काफी सारा पानी है, ये देख रही है मिट्टी भर जाए तो पूरा बोगी बंद है यानी जंक्शन पर से तथा इस गली में थोड़ा बहुत पानी है तो मैं इसे आगे नहीं जाऊंगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो हाँ, पिछला वीडियो आ चुका होगा एंड हाँ, जब वो अपलोड किया था तो उस पर क्या बोलते हैं, जब चेकिंग हो रहा था जो कि रिस्ट्रिक्शन क्या आएगा, तो फिर हाँ उसमें काफ़ी समय लग गया था, तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि क्या रिस्ट्रिक्शन आएगा, लेकिन हाँ सही था ब्लॉग्स तो हाँ उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तथा आज का जो भी राइड पर हाँ निकलूँगा थोड़े समय बाद होगा तो हाँ, तो फिर एक्सप्लोर करूँगा अपने सिटी टूर का। तो फिर हाँ जो पिछला वीडियो में छूट गया था, देखते हैं बाहर का क्या सीन है तथा आज का वेदर कैसा है। दिन के 11 बजे घर के बाहर का सीन कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए थोड़े समय बाद भोजन करने के बाद निकलता हूँ मार्केट की ओर। थोड़ा बहुत हाँ डेलाइट है तो चलिए छोटे से राइड पर निकलता हूँ। 12:49 नियरेस्ट पेट्रोल पम्प है तो इस साइड से होते हुए निकलूँगा, फिर आगे मिलते हैं। भोले बाबा का मंदिर से होते हुए आगे निकलता हूँ। हाँ, यहाँ पर थोड़े आगे जाकर के पेट्रोल पंप है एंड हाँ उसका भी जैसे दिन ओपनिंग हुआ था तो उसका भी ब्लॉग स्टार अपलोड किया हुआ है। तथा यहाँ सामने पर हाँ गाड़ी का धोने का जो वॉश सेंटर है तो यह है। तथा साइड में पेट्रोल पंप हाँ तो उधर जाऊँगा जो कि हाँ SP का है एंड लगभग हर एक पेट्रोल पंप पर सही ही मिलता है, जो कि घर पर ला करके जो बेचता है तो उसमें थोड़ा बहुत पता नहीं कैसा रहता है, बट पेट्रोल पंप से थोड़ा बहुत महंगा मिलता है। तो फिर यहाँ से रेडियो की छाव में ठंडक महसूस होता है। तथा आज हाँ ब्रेकिंग न्यूज आने वाला है BEd से रिलेटेड, जो कि BSc का किसी के लिए जो एग्जामिनेशन हो गया था, तो क्या हम लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं इवनिंग में पता चल जाएगा। शायद 1% चांस नहीं है जो कि हाँ BEd वाला खुलेगा अभी, तो मैसेज आ रही है दौड़ती है। पूरे गुरुवारा छोर में पानी आ गई है, शायद बारिश का है या फिर कनक का पानी की वजह से छोरों में आवागमन ठप हो जाता है। थोड़ा जो भी है गुरुवारा छोर का है तो फिर आते समय हाँ एक्सप्लोर कर दूंगा एंड मार्केट में एंटर कर चुका हूँ। गुमटिया बंद है बट अभी मुझे राइट साइड नहीं जाना है, पहले सीधा स्ट्रेट में निकलूंगा। तो चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप कैसे पंजाबी कॉलोनी का जो भी है आगे जिससे होकर के आप घाट पर निकल जाना आसान होता है, क्योंकि बरसात का दिन है तो उधर पानी देखने को मिलेगा। तथा यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी वन वे है तो ऐसे भी उधर से जा सकते हैं, बट फोर व्हीलर से आप आ नहीं सकते हैं। हाँ बाइक बालक पर अलाउ है एंड जो बैटरी वाला है तो उसे भी अलाउ है एंड सामने इसी गली में भोला टॉकीज पड़ता है जो कि अब बंद ही है एंड इसके ऊपर सैमसंग का सर्विस सेंटर हुआ करता था, अब मालूम नहीं है कि नहीं। अब यह भोला टॉकीज हाँ जो कि सिनेमा हॉल काफ़ी बंद है, अब चालू अवस्था में नहीं है तथा इस रास्ते में काफ़ी पानी है। जो भी काम है वो लगभग हाँ 15-20 मिनट में निपट जाएगा। पानी ही पानी है, हाँ रुक करके ट्रेन का इंतजार करूँगा, जब भी ट्रेन आएगी तो फिर हाँ उसका स्क्रिप्ट डाल दूंगा, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत पानी है। ट्रेन शायद स्टेशन से आ रही है या फिर जा रही है, कुछ निकाल यह ट्रेन समस्तीपुर से हाँ मुजफ्फरपुर की ओर जा रही है, मुझे लगा शायद दरभंगा जाएगी बट कोई बात नहीं। और यहाँ पर पानी काफ़ी सारा लगा हुआ है, ये देख रहे बारिश से खूब ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर के लोगों को ज़्यादा समस्याएं आ रही होगी। हाँ तो फिर समय बैठने के बाद निकलते हैं। एक और ट्रेन जा रही है दरभंगा की ओर, ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा और तुरंत ही यहाँ ट्रेन आ गई, बट हमें क्या पता और समस्तीपुर से स्टेशन चल जा रही है। चलिए हाँ ब्लॉग्स में थोड़ा बहुत देखते हैं, टाइम लेस में आके दिखा दूंगा। हाँ सवारी गाड़ी एंड हाँ सारी खिड़कियाँ बंद है, हाँ जिससे पता चलता है कि कोई नहीं है, सिर्फ ड्राइवर जो है सो आगे ले जा रहे हैं। तथा यह पानी आप देख सकते हैं
काफ़ी सारा ज़्यादा है। हाँ, जैसे कि जो अननोन पर्सन है, यदि अगर आप ब्लॉग्स देख रहे हैं तो आप यदि अगर विजिट करते हैं तो फिर आप अभी इधर होकर न जाए, पूरा बोगी बंद है। और ब्रिज पर जाते समय ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो जाती है, लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और इसे क्रॉस करने में तकरीबन 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। आगे जो लोग घूमते पर होंगे तथा यहाँ पर मोटर वाला जो पानी आ रहा है, तो इससे कह सकते हैं कि इसी से पूरा सड़क पर पानी ही पानी हो गया है, बट यह सब बारिश का पानी है। और यहाँ पर ट्रेन को अब रिवर्स में स्टेशन की ओर शायद ले जा रहा है, शायद ट्रैक चेंज करना होगा इसलिए। तो चलिए इसे अब फॉरवर्डेड यानी टाइम लैप्स में दिखाता हूँ, जो कि रिवर्स जा रही है ट्रेन। और यदि अगर लॉन्ग डेज में दिखाता तो 1 से 1.5 मिनट कम से कम यह टाइम खा जाता है। एंड यह रहा पानी, हाँ कुछ लोग जा रहे हैं जो इनका घर इधर होगा या फिर उस पर जरूरी वर्क हुआ तो ये लोग इधर से ही जाते हैं, नहीं तो धर्मपुर जहाँ से स्टार्ट होती है तो आप वहाँ पर से जा सकते हैं बांध पर होते हुए। यदि अगर आप भोला टोकेज गुमटी पर अगर नहीं फंसना चाहते हैं तो फिर देखते हैं, अब रिटर्न जाऊँगा तो फिर से यहाँ पर गुमटिया बंद है। तो फिर हाँ, ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो निकलते हैं आगे काशीपुर। सामने ये कॉलेज का फील्ड में काफ़ी सारा पानी है, यदि अगर ये मिट्टी भर जाए तो। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट के बगल में रुका हुआ हूँ एंड आगे अब कंटिन्यू करूँगा। 3 बज गया है। यह रहा RNR कॉलेज रोड, कॉलेज खुली हुई है, यह BEd कॉलेज फील्ड। यह फील्ड काफ़ी नीचे है तो इसमें पूरा पानी ही पानी है। चलिए आगे बने रहे एंड का सर्विसिंग एजेंसी, हुंडई का सर्विस एजेंसी है, यहाँ पर यदि आप आ रहे हैं तो फिर वहाँ पर आ करके सर्विस कर सकते हैं। एक ट्रेन प्रश्न पर गुजरा था, हाँ जो गुजरा था एंड अभी यहाँ पर गुजरा तो ट्रेन मिलते हैं। तो अब घर वापस जा रहा हूँ एंड यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे हैं, तो जो टेम्परेचर रहता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कम रहता है, तो यहाँ पर फोटोशूट लोग कराते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पानी है तो शायद काम ठप हो चुका हो। और ज़्यादा वो लाइट कटी हुई है, हाँ तो मार्केट से आ गए तथा लाइट कटी हुई थी और अंडरवा आ चुका है। और जो ब्रेकिंग न्यूज आने वाला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो कि BEd वाला को रखें या न रखें, तो उसका फिर सुनवाई बढ़ा दिया गया है, जो कि 13 अक्टूबर को लगभग सुनाया जाएगा। हाँ तो फिर सभी लोगों को इंतजार रहेगा। तो फिर चलिए ब्लॉग्स में आगे बने रहें तथा मैं भी हो सकता है तो इवनिंग में फिर निकलूँगा, तो फिर हो सकता है तो उसके कल वाला ब्लॉग्स में शूट कर दूँगा।